हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चालू करने जा रहे हैं सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स की टू सक्सेस में। ये हमारा पहला डेमो वीडियो है जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स में नेट निकालने के लिए हमको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या जरूरत है पढ़ने का, जो जो पॉइंट है, जो जो सिलेबस है, उस हिसाब से हम लोग तैयारी करेंगे यहाँ पे। और तैयारी करने के लिए जितने भी की सब्जेक्ट्स हैं वो हम सब कराएंगे, और सारे सब्जेक्ट्स का जो नोट्स भी है जो भी है हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको। और देखते हैं आज हम लोग कि मैथमेटिक्स में नेट का सिलेबस क्या क्या है। तो बेसिकली सिलेबस चार पार्ट में बटा हुआ है हमारे नेट के लिए। यूनिट वन में आता है रियल एनालिसिस और लिनियर अलजेब्रा, जो कि बहुत ही बेसिक है और सभी स्टूडेंट के लिए वो जरूरी है। उसको अच्छे से क्लियर करें, अच्छे से उसमें अपना डाउट क्लियर करें, तभी आपका नेट के लिए जितनी तैयारी है उसकी सबकी बेसिक जो है रियल एनालिसिस और लिनियर अलजेब्रा है। तो यूनिट वन ये है रियल एनालिसिस, देखते हैं मार्क्स का वेटेज ये यूनिट वन का। तो रियल एनालिसिस फ्रेंड सबसे ज्यादा 55 से 60 मार्क्स का मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आएंगे, और सेम 55 से 60 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आएंगे। तो अप्रॉक्स मान लीजिए 7-8 क्वेश्चन यहां से, 7-8 क्वेश्चन यहां से, पार्ट बी के, पार्ट सी के। अब हम लोग बाद में देखेंगे पार्ट बी और पार्ट सी का क्या फंडा है, पर ये देख लेते हैं कि सिलेबस में वेटेज कहाँ कहाँ जाता है। तो अगर रियल एनालिसिस अगर पूरा पढ़ते हैं और लीनियर अलजेब्रा पूरा पढ़ते हैं तो गारंटी है बेसिक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट 25 से 30 मार्क्स यहां से कवर कर लेगा, और यहां भी सेम 25 से 30 मार्क्स। लीनियर अलजेब्रा के तो क्वेश्चन बहुत बेसिक आते हैं शुरू के, जो पार्ट बी के क्वेश्चन है। पार्ट बी और पार्ट सी में थोड़ा सा डिफरेंस है क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो हम आगे डिस्कस करेंगे और कर भी लेंगे। 35 से 35 यहां से लगभग अप्रॉक्स आप बना सकते हैं। अब आता है यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में आता है हमारा बेसिकली मेजरली तीन सब्जेक्ट में आता है, मॉडर्न अलजेब्रा, एक होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, थर्ड है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में जो रियल एनालिसिस में हम लोग पढ़ते हैं रियल लाइन के बारे में, और जो टोपोलॉजी बेसिक रियल सभी आरएन फील्ड के लिए, ठीक है, बेसिक पूरे फील्ड में जो है काम होता है वो टोपोलॉजी में होता है। तो हम लोग ये सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे रियल लाइन पे, ये पढ़ेंगे हम लोग रियल लाइन के जितने भी डायमेंशन में सब में टोपोलॉजी ये काम आएगा, ठीक है। मॉडल अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और टोपोलॉजी के कुछ पार्ट्स हम लोग यहाँ पे शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे रियल एनालिसिस में, जो आर का पार्ट है वो, और बाकी एज इट इज फॉलो होगा। कुछ कुछ चीजें हैं मिसिंग है जो यहाँ से वो हम यहाँ पढ़ेंगे टोपोलॉजी, ठीक है। मॉडल अलजेब्रा का जो सिलेबस है अब देखते हैं वेटेज। तो मॉडल अलजेब्रा से बेसिकली 35 मार्क्स के क्वेश्चन आ ही जाते हैं, कॉम्प्लेक्स से 35 मार्क्स आ जाते हैं, और टोपोलॉजी से मान लीजिए 20 टोपोलॉजी प्लस इसमें क्या कहते हैं मैट्रिक स्पेस, इससे अप्रॉक्स 20 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए 55 टू 60 यहां से मान लीजिए 110 नंबर का अगर आता है आपका, तो इस यूनिट से भी लगभग अप्रॉक्स 90 मार्क्स का यहां से आ जाता है, ठीक है। ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा, थोड़ा बेसिक है, हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फिर मॉडल अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टोपोलॉजी का कुछ पार्ट हम लोग यहां पढ़ेंगे और कुछ पार्ट यहां पढ़ेंगे। अब एवरेज स्टूडेंट अगर सॉल्व करना चाहे तो यहां से मिनिमम 15 नंबर तो आ ही सकते हैं, यहां से 20 आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि थोड़ा सा
क्वेश्चन बनाने के लिए ट्रिक दिया जाता है। और टोपोलॉजी मैट्रिक स्पेस से मान लीजिए अगर 10 नंबर भी बनाते हैं तो टोटल कितने नंबर बना लेंगे, 30, 30, 15, 20 और 10 अप्रॉक्स मान लीजिए आपका 90 और 105 मार्क्स, इतने मार्क्स का टाइम टेबल हम लोग पढ़ सकते हैं इजीली और इतना जेआरएफ के लिए काफी है नेट के लिए। ठीक है, पार्ट ए आपको यादव सर पढ़ाएंगे। अगर आप अपना टाइम डिसाइड कर लेते हैं एग्जाम में कि टाइम मेरे को कैसे मैनेज करना है, यहां से मुझे पूरे क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, यहां से मुझे पूरे क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, आपको छांट छांट के स्किप करने आना चाहिए क्वेश्चंस। अगर स्किप अच्छे से कर लेते हैं आप तो पार्ट ए भी आप आराम से, अगर 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का रहता है इसमें से, लेकिन आप अगर 7 या 8 क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना तो 16+ या 14 मार्क्स का यहां से हो जाएगा। तो अप्रॉक्स मान लीजिए आप 120 मार्क्स के स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो 120 मार्क्स आपके लिए मोर देन इनफ है जेआरएफ के लिए। अब यूनिट 1 और यूनिट 2, यूनिट 3 में है अप्लाइड मैथमेटिक्स जिसमें से हम कुछ कुछ पढ़ेंगे, इतना भी हम लोग ये जितना है ये प्योर मैथमेटिक्स में आता है। फिर आता है यूनिट 3 में अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स में कुछ कुछ सब्जेक्ट हम लोग ऑब्वियसली छोड़ देंगे क्योंकि मैंने भी बहुत छोड़ा हुआ है। न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ऑपरेशनल रिसर्च है, बहुत बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत रटना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है और आउटपुट उतना नहीं है तो हम उसको सीधा स्किप मारते हैं। फिर आता है दो पार्ट इसमें, ओडी और पीडी। पीडी में पार्ट बी से क्वेश्चन आ जाते हैं अच्छे खासे, दो क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं, दो क्वेश्चन यहां से। तो पीडी का हम लोग जो बेसिक है वो पढ़ लेंगे और टाइम मिला तो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं। इंटीग्रल इक्वेशन बहुत छोटा सब्जेक्ट है, ज्यादा दिन का क्लास नहीं, 3 क्लास में खत्म हो जाएगा इंटीग्रल इक्वेशन। सीओबी और एससीए 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो इंटीग्रल इक्वेशन और सीओबी ये दोनों हम लोग कंप्लीट करेंगे अब हमारा। तो मान लीजिए यहां से एक एक क्वेश्चन भी अगर बनता है, एक या मान लीजिए टोटल 3 क्वेश्चन बनाते हैं तो मार्क्स आपके एड होते जाएंगे। तो अप्रॉक्स आप मान लीजिए हम 150 मार्क्स के लिए परफेक्ट तैयारी कराएंगे आपका। अटेम्प्टेबल तो आपको पूरा तैयारी करा लेंगे बहुत ज्यादा मार्क्स के, लेकिन आप 150 मार्क्स अगर स्ट्रेटेजिकली चले तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मार्क्स का डिवीजन कैसे होता है एग्जाम में। बेसिकली एग्जाम होगा आपका, तो बेसिकली एग्जाम में आता है पार्ट ए से, इसमें होते हैं पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। ठीक है, पार्ट बी में, पार्ट सी इसमें होते हैं पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, इसमें होते हैं पर क्वेश्चन 4.75 मार्क्स। ठीक है, पार्ट ए टोटल आता है 30 क्वेश्चन और सीएसआईआर देता है अटेम्प्ट करने के लिए आपको 20 क्वेश्चन आता है, सीएसआईआर आपको देता है 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो 15 में से अब बेसिकली ये होता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो 15 में से मान लीजिए 7 या 8 क्वेश्चन तो आपके इजी होते हैं, ये क्लास आपकी याद आ देंगे एप्टीट्यूड और रीजनिंग क्लास। तो यहां से आप मान लीजिए 7 या 8 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे और 7-8 क्वेश्चन अगर आप बिना लैंग्वेज बैरियर के अगर कर लेते हैं तो आपके हो जाते हैं यहां से 16 मार्क्स। आप क्वेश्चन स्किप करते जाइए, जो नहीं बनते हैं जो बनते हैं वो बनाइए, 16 मार्क्स इजीली। ठीक है, अब पार्ट बी में आते हैं, ये आपका आता है मैथमेटिक्स पार्ट यहां से स्टार्ट होता है आपको मैथमेटिक्स। बेसिकली इसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है, जो 15 क्वेश्चन आते हैं ये तो बच्चे बनाना ही है जीत पे करके पूरा बनाते रहते हैं।
पूरा नहीं बनाना है, जो इजीली बन जाए वो बनाना है, आपको इजीली दो नंबर मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब आता है पार्ट बी। पार्ट बी में पर क्वेश्चन 3 मार्क्स होते हैं। इसमें होता है सिंगल ऑप्शन करेक्ट, ये भी सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, ये भी सिंगल ऑप्शन करेक्ट है। पार्ट सी के बारे में थोड़ा देखते हैं बाद में। सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, मल्टीपल चॉइस है। ठीक है, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, चार ऑप्शन रहेंगे तो बेसिकली आपको इतना एग्जांपल करा दिया जाएगा कि एग्जांपल से आपको पता रहेगा काउंटर एग्जांपल कौन सा है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, ये भी जानना बहुत अच्छी बात है। काउंटर एग्जांपल्स के लिए बुक भी है, वो बुक की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत सारे काउंटर एग्जांपल मिलेंगे आपको कि ऐसा है तो ऐसा नहीं है, ऐसा है तो ऐसा नहीं है, तो उससे बहुत सारे ऑप्शन, तीन ऑप्शन में बेसिकली दो ऑप्शन तो मतलब आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, दो ऑप्शन को, तीन ऑप्शन हो जाते हैं इजिली। अगर नहीं भी हुए तो आपको चौथा ऑप्शन अगर करेक्ट पता है तो चौथा एक ही ऑप्शन में टिक लगाना है, तो यहां से आपके तीन मार्क्स हो जाते हैं। बेसिकली रियल और कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन काउंटर एग्जांपल से ही बन जाते हैं, पार्ट बी के जल्दी बनते हैं, इसलिए काउंटर एग्जांपल पता है आप कट करते जाइए आगे बनाते जाइए। तो ये आते हैं, इसमें होता है टोटल 40 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आते हैं स्टैट्स से, स्टैटिस्टिक्स पार्ट यूनिट 4 है। यूनिट 4 में आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि यूनिट 4 स्टैट्स और लोग की है, जो हम ऐसी स्टेट से करते हैं उनके लिए। ठीक है, यूनिट 4 से आते हैं 12 क्वेश्चन और उसमें भी हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, मार्को चैन और प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली मान लीजिए अगर मार्को चैन से 12 क्वेश्चन आते हैं, जो बहुत इजी है, मार्को चैन बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए हम लोग उसको कवर करेंगे क्योंकि हमको नंबर से मतलब है, नंबर हमको कहीं से भी आए। ठीक है, स्टेट पार्ट से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 12 में से हो सकता है आप दो क्वेश्चन मार्को चैन से आ जाएं, तो मार्को चैन से बना लें। मार्को चैन से बेसिकली 12 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 12 नंबर के आते हैं। ठीक है, और पूरे स्टेट से 12 क्वेश्चन आते हैं पार्ट बी में। ठीक है, तो मार्को चैन से अगर एक क्वेश्चन भी आ जाए यहाँ पे और एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से, तो दो क्वेश्चन आप यूनिट 4 से कर सकते हो, तो ये 12 में से दो आप कर सकते हो। अब बच गया बाकी 28, तो CSIR आपको ऑप्शन देता है कि आप 40 ऑप्शन तो है, 40 क्वेश्चन तो है, लेकिन आपको करने कितने हैं 25 ही कर सकते हैं आप मैक्सिमम। तो 28 में से ये जो हम लोग यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट थर्ड के मैं आपको बताया कुछ पार्ट्स हम नहीं पढ़ाएंगे, कुछ पार्ट्स छोड़ देंगे, ODPD में भी पूरा कंप्लीट नहीं कराएंगे। बहुत से लोग करते हैं कि हमको ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता है, हमको आना चाहिए, लेकिन आप इतना अगर पीछे पड़े रहेंगे तो बहुत डीप पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नेट के लिए उतना जरूरी नहीं है। आप जितना हम यहाँ पढ़ेंगे उतना मोर देन इनफ है नेट निकालने के लिए, JRF निकालने के लिए। ठीक है, तो 28 क्वेश्चन है, 28 में से आप स्ट्रेटेजी देख लीजिए कि आपको मान लीजिए 50% भी कर दूं, मैं 50% भी कर दूं, तो यहां से 14 क्वेश्चन आप बनाते हैं। ठीक है, वैसे कोशिश करिएगा कि 15 से ज्यादा ही बने, लेकिन अगर मिनिमम अगर आपको बताऊं 14, कई लोग 12 बनाते हैं, उन लोग पार्ट सी में कवर कर देते हैं, पार्ट ए में कवर कर देते हैं। ठीक है, तो अगर 14 क्वेश्चन भी बनाते हैं तो 14 किया 42 नंबर यहां से, 16 नंबर यहां से, 42 नंबर यहां से। अब इसमें देखते हैं सब्जेक्ट वाइज क्या क्या पढ़ता है। चलिए हम लोग जब सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी पार्ट सी में आ जाते हैं। पार्ट सी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा सिर्फ मैथमेटिक्स में होता है कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये MSQ है। चार ऑप्शन है, चार में से चार भी सही हो सकते हैं, दो भी सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकते हैं, उसमें कोई नहीं, लेकिन हमको सही ऑप्शन टिक लगाना है। यहां पे आप काउंटर एग्जांपल से ऑप्शन कट कर सकते हैं, आपको कट करने आना है, काउंटर एग्जांपल से आप ऑप्शन कट कर लिए, फिर आपको सही चीज पता भी होना चाहिए कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। अगर दो ऑप्शन आपने कट किया है तो जरूरी नहीं दो सही हो, आपको सही पता होना चाहिए, या हो सकता है आपको तीसरा काउंटर एग्जांपल ना आ रहा हो, लेकिन होता हो, तो इसलिए ये पार्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है। लेकिन सब एक बात अच्छी है कि माइनस मार्किंग नहीं, तो हमारे पास स्ट्रेटेजी है कि काउंटर एग्जांपल हम ज्यादा करेंगे और जितने प्रूफ्स हैं, प्रूफ नहीं रिजल्ट याद रखेंगे, प्रूफ करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, प्रूफ हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को रिजल्ट याद रखने हैं और बेसिकली ग्राफिकली जितना हो जाए उतना अच्छे से हम लोग करेंगे। तो MCQ भी अगर आप यहां से एवरेज लें तो 7-8 क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आता है 4.75 × 7
मीन्स मान लीजिए 32 नंबर, सही क्या है? जैसे तुम चाह सकती थोड़ा गड़बड़ होगी, मार्क्स। तो अब देख लीजिए आप कितना इजीली अटेम्पटेबल है, 16, 42, 33। ठीक है, तो हम लोग लगभग उसी रेंज में जो हमने स्टार्ट, ओके तो 111 नंबर हम लोग काउंट करके यही है। 111 नंबर अगर हम लोग काउंट करते हैं तो जेआरएफ के लिए मोर देन इनफ है, आपकी रैंक भी बहुत अच्छी आ जाएगी इसमें 111 नंबर में। बेसिकली नेट के लिए अगर आप जनरल में आते हैं तो 95 से 100 नंबर आपको नेट के लिए चाहिए रहता है, 105 मार्क्स या 100 मार्क्स जेआरएफ के लिए अगर आप जनरल में, तो ठीक है। तो हम टारगेट भी यही लेके चलेंगे, टारगेट हम ये लेके चलेंगे। और जो हमने इससे पहले डिस्कस किया जब हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, तब हमारा टारगेट हम लोग कितने का सिलेबस इजीली कवर कर लिए थे, 140 समथिंग। तो 140 में हम लोग पूरा मेहनत करेंगे और 140 में से अगर 250 का सिलेबस पढ़ेंगे और उसमें से 140 लाने का पूरा ट्राई करेंगे। अगर 144 में से अगर 111 भी आता है तो आपका जेआरएफ इजी हो जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कठिन वाले भी बना लेंगे, कुछ क्वेश्चन बाकी सरल वाले में तो इतना नहीं आना है, अगर आप स्ट्रेटेजी के लिए इसको तैयारी करेंगे तो, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज क्या क्या है सिलेबस, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो रियल एनालिसिस से चालू करते हैं जो कि बहुत ही बेसिक और बहुत ही जरूरी पार्ट है मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए। इंटरव्यू वगैरह में भी रियल एनालिसिस से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और बेसिकली बहुत लोग सेलेक्ट नहीं करते, जब इंटरव्यूअर पूछता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अगर पूछा जाना चाहिए, आपको इंटरव्यूअर चांस देता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, तो आप बेसिकली रियल बहुत लोग सेलेक्ट नहीं करते क्योंकि रियल थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है बहुत सारे काउंटर एग्जाम्पल्स में। तो इसलिए बेसिकली लीनियर अलजेब्रा मॉडल अलजेब्रा जो है जितना है उतना ही है, तो उतना ही को हम लोग और उतना अगर पढ़ लेते हैं तो नेट में भी इजी हो जाता है, इंटरव्यू में भी इजी हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।